तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो में। और आज किस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि चंडीगढ़ में घूमने की टॉप 10 जगह क्या हैं। अगर आप चंडीगढ़ आते हैं तो ये जगह जरूर देख के जाएं। सारी जानकारी यहाँ की, टिकट प्राइस, टाइमिंग, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो चंडीगढ़ शहर जो कि हरियाणा और पंजाब की कैपिटल सिटी है, यहाँ घूमने के लिए वैसे तो कई जगह हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको यहाँ की टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट के बारे में ही बताऊंगा। सबसे पहले तो नंबर 1, 2 और 3 पे है सुखना लेक, रॉक गार्डन और बर्ड पार्क चंडीगढ़, क्योंकि ये चंडीगढ़ के एक ही सेक्टर में है और एक दूसरे के साथ साथ ही हैं। तो मैं आपको ये सुखना लेक के पास में लेके आ गया हूँ। सुखना लेक में शॉपिंग, आर्केड है, पब है, रेस्टोरेंट है, बोटिंग भी कर सकते हैं। अम्यूजमेंट पार्क भी, देखिए नया अम्यूजमेंट पार्क यहाँ पर बन गया। आइसक्रीम पार्लर भी और फास्ट फूड भी आप खा सकते हैं। ये मरमेड रेस्टोरेंट है और यहाँ पे आप फास्ट फूड भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कई बोट्स हैं। ये वाली शिकारा बोट है जो अपने कश्मीर, दल लेक वगैरह में देखी होंगी, वहाँ पीछे वो डोनट वाली बोट है। और इसके साथ यहाँ पे ये डेस्टिनी क्रूज़ है और इसके अंदर आई थिंक जितने बस में लोग बैठ सकते हैं उतने लोग इसमें बैठ सकते हैं। बाकी उस तरफ आप पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे बोटिंग के सारे चार्जेस वगैरह लिखे हुए हैं। पैडल बोट 2 सीटर के, हाफ आर के 250 रुपये के चार्जेस हैं, प्लस सिक्योरिटी भी आपको देनी होगी 250 रुपये। जब आप बोटिंग करके आएंगे तो आपको 250 रुपये वापस मिल जाएंगे। 4 सीटर बोट के, हाफ आर के 500 रुपये के चार्जेस हैं और 500 रुपये इंक्लूडिंग GST सिक्योरिटी अमाउंट है। इसके अलावा शिकारा बोट में भी आप बैठ सकते हैं। 500 रुपये 2% के 30 मिनट के चार्जेस हैं और 250 रुपये एडिशनल % के चार्जेस हैं शिकारा पे। क्रूज़ राइड भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, पर हेड के 350 रुपये के चार्जेस हैं। डोनट फाउंटेन भी है यहाँ पर और उसके 450 रुपये 30 मिनट के चार्जेस हैं। वो देखिए कितनी बड़ी लेक है ये, बहुत पीछे तक जाते पहाड़ दिख रहा है मेरे को तो पीछे तक। और यहाँ बीच में एक आइलैंड सा भी बनाया हुआ है। ये सारी बोट्स हैं, 4 सीटर बोट्स भी हैं, 2 सीटर बोट्स भी हैं। और उससे पहले आपको ये लाइफ जैकेट भी डालना ज़रूरी होगा और उसके बाद ही आपने जितनी टाइम की बोटिंग वहाँ लिखी हुई है आपके टिकट में उतने टाइम की बोटिंग आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक नया सा अम्यूजमेंट पार्क बना दिया गया है, बुल राइडिंग कर सकते हैं, ये टॉय ट्रेन है। इसके अलावा ऊपर से भी एक ट्रेन जाती है और ये ऊपर नीचे होने वाली भी राइड है, हेलीकॉप्टर राइड भी है पीछे। और इसके पीछे इस तरफ ये कार वाली राइड भी है, ऐसे ऐसे होती है, उधर बम्पिंग कार्स भी है। ये है बठिंडा अम्यूजमेंट पार्क और यहाँ पे जितनी भी राइड्स हैं इनके रेट लिखे हुए हैं। बम्पर कार सिंगल पर्सन प्लस एनी 4 राइड 750 रुपये का है, एक तरह का कॉम्बो टिकट है। और एयरफोर्स अंडर 4 किड्स ओनली। बम्पर कार सिंगल पर्सन प्लस एनी 2 राइड 500 रुपये, एनी 3 राइड विदाउट बम्पर कार 430 रुपये। और अगर आप सिंगल में राइड्स करना चाहते हैं कोई भी तो उनका ये लिखे हुए हैं टाइमिंग्स और प्राइस वगैरह। रॉक गार्डन और सुखना लेक के बीच में आपको चंडीगढ़ बर्ड पार्क भी दिख जाएगा। ये मंडे और ट्यूसडे को बंद रहता है और इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम के 6 बजे तक होती है। और इसमें होता क्या कि पंछी ना आपके हाथ पे भी आके बैठ सकते हैं, तो वो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। बट आज असल में ट्यूसडे है तो मैं वो आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो गाइस हम आ गए हैं चंडीगढ़ के रॉक गार्डन और इसकी लोकेशन है सेक्टर 1 उत्तर मार्ग चंडीगढ़ में। और वहाँ सामने सुखना लेक है, आई थिंक यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे होगा सुखना लेक। और इस तरफ यहाँ पे है रॉक गार्डन। यहाँ सामने रॉक गार्डन के टाइमिंग्स लिखे हुए हैं, समर के अलग टाइमिंग्स है, विंटर के अलग टाइमिंग है। वहाँ सामने से एंट्री है, इधर टिकट काउंटर दिख जाएगा। ये टिकट के रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, अडल्ट की 30 रुपये के चार्जेस हैं, जो कि 10 साल से ऊपर के उनके 30 रुपये के चार्जेस हैं। और चिल्ड्रन जिनकी 3 से लेकर 10 साल की उम्र है उनकी 10 रुपये की टिकट है। और बच्चे जिनकी 3 साल से कम उम्र है उनकी टिकट यहाँ बिल्कुल फ्री है। आगे तो काफ़ी बढ़िया व्यू है, एक तरह की छोटी वाटरफॉल भी आएगी आगे, एक तरह से भूल भुलैया भी है किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है। ये देखिए वही वाटरफॉल सा आ गया यहाँ पर। इधर के एरिया में यहाँ से ऊपर नहीं आ सकते, पूरा गोल घूम के यहाँ तक आना पड़ेगा। अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हैं रॉक्स, कोई गर्दन पीछे, कोई हाथ ऊपर, कोई गर्दन मोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ओ वाओ, सो ब्यूटीफुल। इधर देखिए सबसे ज़्यादा स्कल्पचर्स आपको इसी एरिया में मिल जाएंगे। और इधर ये बंदर बैठे हुए हैं छोटे छोटे, इन्होंने लगाया हुआ ग्लास के, लोग ऊपर ना चढ़े। ये सारे बंदर बैठे हुए हैं, देखिए ये बंदर बैठा हुआ। ये रंग बिरंगी कॉस्ट्यूम बनाई हुई है बैंगल से, यानी चूड़ियों से बनाई हुई है। आप यहाँ पे सिटी टूर भी कर सकते हैं 75 रुपीज़ में, ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में, जो कि एक ओपन रूफ डबल डेकर बस है।
पॉइंट टू पॉइंट के 10 रुपये के चार्जेस हैं। बुकिंग करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये सुखना लेक के पास भी काउंटर मिल जाएगा, टिकट काउंटर। ये सारा हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का शेड्यूल लिखा हुआ है। ये प्राइस लिखे हुए हैं, हाफ डे बुकिंग 5,900 रुपये, फुल डे बुकिंग 11,800 रुपये। सारे प्राइस टाइमिंग वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पे कि आपको ये कहाँ कहाँ घुमाएगी। रोज़ गार्डन भी घुमाएगी आपको, रॉक गार्डन भी घुमाएगी, कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी घुमाएगी, यूनिवर्सिटी, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, इसके अलावा सुखना लेक वगैरह सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड होगा। अब नंबर 4 पे है चंडीगढ़ का फन सिटी वाटर पार्क, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है और इसके साथ ही एक एम्यूजमेंट पार्क भी है, जहाँ भी आप कई राइड्स का मजा ले सकते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं हम आ गए हैं फन सिटी वाटर एंड एम्यूजमेंट पार्क। ये सामने आप देख सकते हैं ये फ्लाईओवर है और इस वाली रोड का नाम है गुरुद्वारा बारवाला रोड, और वहाँ सीधा जाके आपको दिख जाएगा गुरुद्वारा नाड़ा साहब। फन सिटी तक आने के लिए सबसे करीबी बस स्टॉप आपको रामगढ़ का पड़ेगा और उधर से फिर आपको पैदल यहाँ तक आना होगा। यहाँ सामने जाके एंट्रेंस है फन सिटी वाटर पार्क की। फन सिटी वाटर पार्क के टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम के 6:30 बजे तक खुला रहेगा। यहाँ पे सारे फन सिटी एम्यूजमेंट और वाटर पार्क के रेट्स लिखे हुए हैं। वाटर पार्क की एंट्री के 1,250 रुपये के चार्जेस हैं, एम्यूजमेंट पार्क की एंट्री के 600 रुपये के चार्जेस हैं, और कॉम्बो टिकट भी आप ले सकते हैं जिसमें एम्यूजमेंट और वाटर पार्क की टिकट इंक्लूड होगी, 1,300 रुपये के चार्जेस हैं। और कॉम्बो टिकट लेने का काफ़ी फ़ायदा होता है, 50 रुपये याद देने और वाटर और एम्यूजमेंट पार्क दोनों इंक्लूड होंगे। और इधर ये भी लिखा है कि जो बच्चे 3 फीट से कम हाइट के हैं और सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर के हैं, वैलिड ID प्रूफ दिखा के, उनकी टिकट बिल्कुल फ्री होगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ के जेंट्स कॉस्ट्यूम और लेडीज़ कॉस्ट्यूम के रेंटल चार्जेस बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि जेंट्स कॉस्ट्यूम के टॉप के 50 रुपये के चार्जेस हैं, सिक्योरिटी आपको 50 रुपये देनी होगी, यानी कुल 100 रुपये आपको देने होंगे। बाल्टी भी है, बाल्टी में जैसे ही पानी भरेगा सीधा नीचे पानी में गिरा 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 गिरा, ये सही है, बहुत अच्छा है। ये देखिए ये वाली साइड भी है, इधर से गोल गोल घूमते हुए नीचे आएंगे। ये कैसा शाम से बनाया हुआ है ना, बहुत अच्छा फोटो आएगा यहाँ पे ना। उधर से निकल भी सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। ये आगे नीचे, ओ भाई साहब, ये आगे नीचे, ये भी एरिया है बहुत बढ़िया सा। और ये जा रहे हैं अंदर से, बाकी लूप ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके अंदर से गोल गोल घूमते वहां से निकलेंगे, देखना। ये आगे बाहर, और ये लगा टक्कर 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 टक्कर, ये लगा टक्कर। नंबर 5 पे है चंडीगढ़ का फेमस छतबीड़ जू, जहां आप कई तरह के पशु पक्षी देख सकते हैं और यहाँ एक लॉयन सफारी, डियर सफारी का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो छतबीड़ जू की लोकेशन ये सामने छतबीड़ जू रोड है और इस वक्त हम छत चंडीगढ़ में हैं और इधर से इस जू की एंट्री है। तो ये आप 79 नंबर की बस लेके आ सकते हैं छतबीड़ जू तक। अगर आप सेक्टर 17-18 के बस स्टैंड से यहाँ तक आते हैं तो 35 रुपये आपके लगेंगे यहाँ तक आने के, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। तो ये सामने है टिकट काउंटर, अगर आपने ऑफलाइन टिकट लेनी है तो उसके ये प्राइस वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पे। अडल्ट अबव 12 इयर्स के 100 रुपये के चार्जेस हैं, चिल्ड्रन 3 से लेकर 12 साल के 50 रुपये, जो 3 साल से कम के हैं उनकी एंट्री यहाँ बिल्कुल फ्री है। कैमरा या वीडियो कैमरा जैसे DSLR कैमरा अगर आप लेके आते हैं उसके 500 रुपये के चार्जेस हैं, और डिफरेंटली एबल्ड की टिकट यहाँ बिल्कुल फ्री है। ये जू हर मंडे के दिन बंद रहता है और इनकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होती है। तो ये जू काफ़ी बड़ा है, तो बेटर है आप ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल से ये जू को घूमें, गर्मी भी काफ़ी है तो बेटर है इसी से घूमें। और इसके जो चार्ज हैं ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, अडल्ट अबव 12 इयर्स के 60 रुपये के चार्जेस हैं, चिल्ड्रन 3 से लेकर 12 साल के 60 रुपये, और बिलो 3 इयर्स के फ्री हैं। और ये जो टिकट है ये 1 राउंड के लिए ही वैलिड है जू के। और ओए भाई साइज कितना है इसकी, लेंथ देखो कितनी है, ये 8 फुट होगा आई थिंक। तो यहाँ पे आप लॉयन और डियर सफारी भी कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी, इसका 75 रुपये पर पर्सन चार्ज है, नो टिकट फॉर चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर एज। पूरा देखे सामने लॉयन, गेयर के एरिया के अंदर जाएंगे।
तो इस वाले एरिया में फ्लाइंग डायनासोर देखने को मिलेंगे। अच्छा, एग्स में भी मूव कर रहे हैं। ये टीरेक्स है, देखिए। नंबर 6 पे है अब चंडीगढ़ का नया IAF हेरिटेज सेंटर, जो कि एक बहुत ही कमाल का मॉडर्न म्यूजियम है, जहां आप इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। और इसकी लोकेशन है गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग, सेक्टर 18, चंडीगढ़ में। इस म्यूजियम के बाहर ये मिकन गुरुविच MiG-21 टाइप 96 का एयरक्राफ्ट है। इधर से ऊपर जाके भी आप कॉकपिट में देख सकते हैं इसके। तो यहाँ पे टिकट प्राइस लिखे हुए हैं, एंट्री टिकट के ₹50 के चार्जेस हैं। आप यहाँ से ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंस के ₹295 के चार्जेस हैं। और टाइमिंग्स की बात करें तो ये म्यूजियम सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम के 6 बजे तक चलेगा। लास्ट एंट्री 5:30 बजे की होगी। और ये सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह भी लिखे हैं। एंट्री टिकट फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज एग्जेम्प्टेड। और इमर्सिव एक्सपीरियंस की टिकट फ्री नहीं है। जो आप इमर्सिव एक्सपीरियंस की टिकट लेंगे उसमें आप सिमुलेटर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल डिवाइसेस भी आपको दिए जाएंगे, मोटिवेशनल थिएटर भी है और होलोग्राफिक एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं। और बाकी आप ऑनलाइन भी टिकट इसकी ले सकते हैं, मैनुअल टिकट आप ले सकते हैं चंडीगढ़ टूरिज्म ऐप से। फोटोग्राफी मोबाइल फ़ोन से अलाउड है, लेकिन वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ट्राईपॉड्स फ्लैश एक्स्ट्रा लाइट अलाउड नहीं है। और ये जो सेंटर है ये मंडेज और गैजेटेड हॉलीडेज को बंद रहेगा। यह है बॉम 450 किलो विथ सस्पेंशन लग्स एंड टेल यूनिट। ये आप देख रहे हैं ये 4 मिसाइल, ये है पेचोरा मिसाइल है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये रशियन ओरिजिन की है ये मिसाइल। ये वर्चुअल रियलिटी। अच्छा, तो इसमें ये देख रहे हैं जो यहाँ पे हो रहा है, तो बेसिकली ये प्लेन उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये उड़ा रहे हैं, तो जेट उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं? हंटर एयरक्राफ्ट। तो इधर आपको कई सिमुलेटर दिख जाएंगे। ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा सिमुलेटर के अंदर जाने से पहले। और ये सिमुलेटर इस तरफ है, सिमुलेटर 2, सिमुलेटर 3। और इधर आप जेट्स उड़ा सकते हैं। तो इसको बंद कर दिया जाएगा अंदर से, फिर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं सिमुलेटर को। अंदर से सिमुलेटर कुछ इस टाइप का दिखेगा, देखिए। और यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं अपना लेवल, नोविस स्टूडेंट और पायलट का। और ये एक तरह से पूरा मूव करेगा और ऐसा लगेगा कि आप असली फाइटर एयरक्राफ्ट चला रहे हैं। ये सारे सिस्टम वगैरह यहाँ पे हैं, इधर भी सिस्टम है, स्पीकर वगैरह के साथ एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस बन जाता है। ये देखिए, यहाँ पे एक और फोटो शूट करने के लिए एक सेल्फी पॉइंट सा बनाया हुआ है जेट्स के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे असली यहाँ पे पायलट्स खड़े हुए हैं जेट के। बाहर निकलना एक बार, ये देखिए, असल में इनका बस फेस लगा हुआ था यहाँ पे, लग रहा था ना असली बिल्कुल। अब नंबर 7 पे है जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन। इसकी लोकेशन चंडीगढ़ के सेक्टर 16 जन मार्ग में है। और यहाँ आप 30 एकड़ की ज़मीन पर कई किस्म के हज़ारों गुलाब देख सकते हैं। यहाँ विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम मिड जनवरी से लेकर मार्च का है। और यहाँ हर साल फरवरी में एक रोज़ फेस्टिवल भी कराया जाता है, जो कि एक बहुत ही शानदार फेस्टिवल होता है। और ये गार्डन सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ की टिकट प्राइस एक बंदे की ₹50 की होती है। नंबर 8 पे अब है स्काई जंपर ट्रैम्पलिन पार्क चंडीगढ़। यहाँ आप खेलते कूदते कई फन एक्टिविटीज़ का मजा ले सकते हैं। और इसकी लोकेशन ब्लॉक 3 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जीरकपुर पंजाब में है। और यहाँ की टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे की है। और यहाँ के जो भी टिकट प्राइस वगैरह हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। नंबर 9 पे है हॉप अप चंडीगढ़, जो कि स्काई जंपर ट्रैम्पलिन पार्क से भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ वाला एडवेंचर पार्क है और इंडिया के टॉप एडवेंचर और ट्रैम्पलिन पार्क्स में से एक है। इसकी लोकेशन अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे जीरकपुर पंजाब में है।
और टाइमिंग्स यहाँ की सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे की है। और यहाँ के टिकट प्राइस आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। अब आखिरी नंबर यानी नंबर 10 पे है चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मॉल यानी नेक्सस एलांटे मॉल। ये चंडीगढ़ में शॉपिंग करने के सबसे बेस्ट जगहों में से एक है। इसकी लोकेशन सेक्टर 17 चंडीगढ़ में है और यहाँ की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपने नहीं किया तो।